सो हे एवरीवन, दिस इज कार्तिक असवाल। तो गाइज, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आपका बीबीडी कॉलेज। ठीक है, बहुत बच्चों का डिमांड था सर बीबीडी के बारे में बताइए। बीबीडी एक जाना माना कॉलेज है यूपी का। ठीक है, मैं उसके बारे में ऑनेस्ट टॉक करूंगा पूरा, मतलब कि कैसा कॉलेज है। मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं जानता हूँ उस कॉलेज की रियलिटी क्या है। कॉलेज अच्छा भी है, किस मामले में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वो सारा कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में देखते हैं, देख सकते हैं बीबीडी ग्रीन सिटी। बीबीडी का मतलब माहौल है, सराउंडिंग्स बहुत ही अच्छा है। मतलब बाहर से देखो बीबीडी बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। इसके बारे में देखा जाएगा, कॉलेज इन्फो क्या है, प्लेसमेंट क्या है, कैसे कंपनी जिसमें विजिट करती हैं और कितने स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कैसे एडमिशन लेता है, ये देख सकते हो। थोड़ा सा व्यू हमारे सामने हमने रखा है, बनारसी दास का रोड पे है, हम लखनऊ फैजाबाद रोड पे। तो देख लेते हैं कैसा कॉलेज है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, जो है लखनऊ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, प्राइवेट है, सबसे पहली बात प्राइवेट है। लेकिन देखा जाए तो यूपी में प्राइवेट कॉलेजेस में देखा जाए कि कौन से अच्छे प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस में इसका दूसरा तीसरा नंबर यूपी में आता है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छा वीडियो है, इसलिए मैं बनाऊंगा। अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज देखा जाए, गवर्नमेंट कॉलेज लो, अगर मान लो गवर्नमेंट कॉलेज तुमको नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में लेने की नौबत आ जाए तो प्राइवेट कॉलेज में यही लेना चाहिए तुमको कॉलेज। तो देख लेते हैं, बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कैपिटल लखनऊ में स्थित है ये कॉलेज। ठीक है, इसको अखिलेश दास द्वारा 2010 में ये कॉलेज बना हुआ है। 2010 में है, समझ सकते हो 10 साल पुराना है, मतलब ज़्यादा इसके एलुमनाई नहीं है, लेकिन तब भी इसका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा जाता है। बीबीडी यूनिवर्सिटी फुली AICTE रिपूव्ड अप्रूव्ड है न्यू दिल्ली। ठीक है, NSNAAC एक्रेडिएशन इसको मिला हुआ है। इसका फाउंडर है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी और अलका दास उनकी वाइफ। ठीक है, तो लेट 18 किलोमीटर है लखनऊ रेलवे स्टेशन से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में सब कुछ आप देख सकते हो डिटेल्स यहाँ पे, कंप्यूटर लैब पे आपको थोड़ा सा दिख रहा है स्क्रीन पे। इसका कैंपस साइज़ है 40 हेक्टेयर का है इसका साइज, 100 एकड़ में बना हुआ है पूरा कॉलेज। अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में नहीं, अर्बन एरिया पे है। ठीक है, टोटल इनमें 384 बच्चे 2019 में इनरोलमेंट हुआ था उसका। बाबू बनारसी दास देख लेते हैं क्या इन्होंने कहा है। इन लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट पर हम देखेंगे, सब सारे को चेक करेंगे। मान लीजिए अगर कुछ चाहिए कि किसी और कॉलेज पर वीडियो चाहिए तो आप आपको सजेस्ट कर सकते हो कि भैया हमको इस कॉलेज पर वीडियो बनाए, इस कॉलेज पर रिव्यू नहीं, क्योंकि आपको एडमिशन लेते समय सबसे जरूरी होता है कॉलेज रिव्यू। क्योंकि आप कॉलेज के बिना जाने एडमिशन ले लेते हो तो वहाँ 4 साल तुमको पछताना पड़ता है। बीटेक करना होता है या कोई भी कोर्स करना होता है तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लो, सबसे पहले कॉलेज रिव्यू यूट्यूब पर जाके देख लो। तो मैं हर बहुत सारे कॉलेज भी ला चुका हूँ, और किसी कॉलेज का चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बाबू बनारसी दास यूपी में 2010 से है, 100 प्रोग्राम्स कराता है ये। ठीक है, 11 स्कूल्स इसके हैं, कैंपस इसका सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसके 100 एकड़ में है। बीबीडी करेंटली 25,000 स्टूडेंट्स इस समय है वहाँ पे, वाईफाई बहुत सारे कैंपस में इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, विद एक्सेलेंट फैसिलिटीज़ है। सो गाइस, ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग की बीबीडी। तो बीबीडी में कैंपस इसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बात कर लेते हैं कि इसमें बहुत सारे मतलब स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा स्टेडियम बनाया हुआ है, ऑडिटोरियम बहुत ही बड़ा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन यूपी है, हेल्थ क्लब हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ बात करेंगे। तो देख लो भाई, क्विक फैक्ट्स बहुत कम समय में जानते हैं इसके बारे में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। रेटिंग अगर देखा जाए इंजीनियरिंग कॉलेज 5 पॉइंट में, तो इसको मैं 4.something पॉइंट इसको दूंगा, 4.1 4.2 पॉइंट इसको दूंगा। स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, ओनरशिप प्राइवेट है, UGC अप्रूवल है, को एड है, गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, जेंडर्स है, मतलब कि दोनों एक्सेप्टेड होते हैं। इस्टेब्लिश 2010 में हुआ था, बताया मैंने। कैंपस साइज 78 एकड़ से 100 एकड़ के बीच में है। टोटल फैकल्टी 70 हैं और टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड 6,492 है। उसके बारे में देख लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इसका 2010 में हुआ था, लखनऊ में है ये कॉलेज, 85 एकड़, 14 स्टूडेंट्स कम से कम लगभग हैं। अब देख लेते हैं इसके मेन बात क्या है, क्या प्लेसमेंट वगैरह है, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं इसका। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो क्या है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बहुत तगड़ा है यहाँ का है, कैफेटेरिया है, हॉस्टल्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, जिम है, जो जो जिम के शौकीन है, जो बॉडी बॉडी सॉडी बनाने के शौकीन है वो जाके जा सकते हैं कॉलेज में। जिम वगैरह सब कुछ है, हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी है, वाईफाई कैंपस है, फुली वाईफाई कैंपस है, वहाँ पे वाईफाई टीम में चलाओ, नेट बढ़वाने की जरूरत नहीं है। ऑडिटोरियम बहुत ही बड़ा है यहाँ का, लैब्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, और बाकी सब बैंक वगैरह तो हर सब में होता है, और स्टूडेंट मॉल वगैरह सब कुछ है बीबीडी कॉलेज में। बीबीडी कॉलेज में बहुत सारे शो होते रहते हैं। ऑडिटोरियम देख सकते हो एक बार, खूबसूरत एक नज़ारा ऑडिटोरियम का आपको दिख रहा है, भव्य भव्य ऑडिटोरियम है बीबीडी का। और आगे देखते हैं कोर्सेज कौन कौन से अफोर्ड होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीटेक वाले, ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास हैं तो बीटेक बहुत ही अच्छा, बीटेक यहाँ से कर सकते हो तुम लोग। प्राइवेट कॉलेज से करना हो तो यहाँ भी आप देख सकते हो एक बार, तो बीटेक कर सकते हो, एमटेक, एमडीएस, पीएचडी, लगभग सारे कोर्सेज हैं, लगभग 14 बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। एमकॉम, एमसीए, बीएससी है, बी फार्मा है, बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारे कोर्सेज कराता है ये, देख लीजिएगा कौन कौन से डिग्री हैं।
ठीक है, आप देख लेते हैं कितने फीस लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है। देखो बीटेक के लिए 1.5 लाख फीस लगता है आपका, 1.25 लाख लिखा हुआ है लेकिन 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। और एलिजिबिलिटी इसकी होती है 75% होना चाहिए जेई में, 75% नहीं भी होता है तभी एडमिशन मिल जाता है, 75% वैसे एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बीटेक लेटर मान लो जैसे कि 3 साल बाद कोई आता है जैसे डिप्लोमा वगैरह करके, तो उसका भी 75% होना चाहिए, उसका भी 1.5 लाख फीस है। सबसे ज़्यादा महंगा हमको लग रहा है MDS और BDS का फीस। MDS मान लो करना हो तुमको, BDS एलिजिबिलिटी ये होता है 7 लाख फीस है इसका, ठीक है। ऐसे तुम सब चीज़ का फीस देख सकते हो, PhD वगैरह सारे कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो बात करेंगे इसमें रिजर्वेशन कैसे एडमिशन होता है। देखो पिछली बार UPSEE UPTU का जो एग्जाम होता है, UPTU पे मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप अगर इस बारे में एग्जाम दे रहे हो तो जाके वीडियो चेक करो, प्रिपरेशन टिक्स तैयार करो कैसे पेपर सॉल्व करते हैं, पिछले ईयर का पेपर सॉल्व कर सकते हो हमारे चैनल पे तुम लोग। तो UPSEE 2018 में कैसे हुआ था, OBC का रैंक गया था 97,000। समझो UPSEE का हमको लग रहा है कि अब तुम UPSEE एग्जाम में बैठ भी जाओ तभी हमको लग रहा है इसमें एडमिशन हो जाता है, क्योंकि हमको नहीं लगता कि UPSEE में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठते होंगे। तो यहाँ पे तुम लोग 1-1.5 लाख तक रैंक तक हो ही जा रहा है एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से एडमिशन तुमको मिल जाएगा, BBD कॉलेज ठीक ठाक है, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, अच्छा कॉलेज माना जाता है इसको BBD UP का, ठीक ठाक कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज बहुत ही अच्छा माना जाता है, टक्कर देता है गलगोटिया रामस्वरूप कॉलेज जितने भी हैं यहाँ पे प्राइवेट उसमें इसका माना जाना हस्ती माना जाता है। 2019 में कट ऑफ बाय रैंक 58,078 UPSEE रैंक गया है, जेई से मिल जाता है कॉलेज, UPTU से भी कॉलेज मिल जाता है। अब देख लेते हैं कि प्लेसमेंट के बारे में देख रहे थे, जैसे बच्चे प्लेसमेंट होता है तो ऐसे तुम लोग इंजीनियरिंग पेपर करने जाओगे देखोगे बच्चे कैसे खड़े रहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं प्लेसमेंट कैसे हुआ है इसका। दिस ईयर ओनली 1 or 2 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड द हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, प्लेसमेंट इसका बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। तो गुड प्लेसमेंट 2018, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बट नीड्स इंप्रूवमेंट, ठीक है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। प्लेसमेंट 2018 में इसका बहुत ही तगड़ा हुआ था। फैकल्टी मेंबर देखा जाए फैकल्टी यहाँ के बहुत अच्छे, 70% मेल 30% फीमेल फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है, टीचर्स आर हेल्पफुल हैं लेकिन ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है। तो इसको BBD में आप देख सकते हो, ठीक है, कि फैकल्टी बढ़ाने की जरूरत है वहाँ पे। और भी क्या हो सकता है कि एक स्टूडेंट्स का रिव्यू है, वही हम लिया लेकर बता रहे हैं आपको कि ये कोर्स गुड स्कॉलरशिप भी देता है स्टूडेंट्स को, तब इससे ज़्यादा कॉलेज इसमें एडमिशन लेते हैं बच्चे ज़्यादा इस कॉलेज में। आपको रिजर्वेशन मिलता है उससे ज़्यादा स्कॉलरशिप से मिलता है इस कॉलेज में, देखते हैं क्या क्या होता है इस कॉलेज में, ठीक है। ये सब कंपनियां विजिट करती हैं, देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे कंपनी, फेडरल बैंक, कोको कोला, हिंदुस्तान टाइम्स, कोटक महिंद्रा बैंक, SCL, डेल, HDFC, सैप, सॉपर्स स्टॉप, जस्ट डॉयल, इन्फोसिस, SRDT, पार्ले एग्रो, एलरीन, कंसेंट्रिक्स, वैबको, इन्फोसिक, बहुत सारे कंपनीज विजिट करते हैं। आप एलुमनाई देख लेते हैं कि एलुमनाई कितने कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपनीज में। तो SCL टेक्नोलॉजी 63%, SCL टेक्नोलॉजी 63% होता है, एक्सिस बैंक 13%, IBM 13%, HDFC 13%, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, एलुमनाई डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, हर सेक्टर्स में यहाँ पे एलुमनाई बहुत सारा हेल्प करते हैं प्लेसमेंट के टाइम। हाईलाइट जो होते हैं, BBDU साइंड MOUs विद 14 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, UK की यूनिवर्सिटी है साउथ अलाबामा की, ठीक है। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज अवेलेबल है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी खोल के दिखाएंगे क्या क्या अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में भी शो करेंगे। देखिए बाबू बनारसी दास स्कॉलरशिप्स कैसे मिलते हैं, मान लो जैसे तुम लोग अगर बोर्ड्स में 90% मार्क्स लाते हो तो 100% स्कॉलरशिप मिलता है, और बाकी सब स्कॉलरशिप यहाँ से देख सकते हो। अब देखते हैं स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग कोर्सेज, मान लो IIT में तुम 2500 रैंक लाते हो तो वहाँ पे 100% स्कॉलरशिप होता है, AKTU में 5000 रैंक तक 100% स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। स्कॉलरशिप 3 है जो बच्चे कैट या मैट या AKTU मान लो जैसे 1000 रैंक के अंदर आते हो तो 25% तुमको स्कॉलरशिप मिलता है, ट्यूशन फी एडमिशन के टाइम में मिल जाता है। स्कॉलरशिप SC ST कैटेगरी के लिए होता है, 2 लाख से कम का अगर आपका इनकम है तो फीस सारा रिफंड हो जाता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। बहुत सारे स्कॉलरशिप हमें मिलते हैं इकोनॉमिक विकास सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, बाकी सारे बहुत सारे हेल्प मिलते रहते हैं इस कॉलेज में, देख सकते हो बहुत सारे इसमें फंक्शंस होते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं। उत्कर्ष 2019 लॉ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, इंडस्ट्रियल विजिट, ठीक है, इंडस्ट्री विजिट करती रहती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है फर्स्ट ईयर, टेक फेस्ट 2017 में, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत सारे कॉलेज इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है। गणेश महोत्सव, अखिल ज्योति, किसी भी कार्यक्रम बहुत अच्छे तरह से किया जाता है गाइस। तो अब देख लेते हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट कैसे होता है, यहाँ पे BBDU यूनिवर्सिटी आप सर्च करके देख सकते हो, BBDU प्लेसमेंट टॉप रिक्रूटर्स आपको सब कुछ मिल जाएंगे, कंसल्टिंग BBDU
एंटी रैगिंग कैंपस सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग क्या करो कि अच्छा से आप देख के एडमिशन लो। जिमनेशियम, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। मॉल, बैंकिंग फैसिलिटी है, हॉस्टल्स देख सकते हो, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है यहाँ पे। बाकी सब आप तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी आपको वीडियो चाहिए किसी भी कॉलेज में तो आप उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने ज़्यादा दोस्तों को, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।